नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से इंडिया की जियोग्राफी को कवर किया जा रहा है मैप के सहारे। ये जो आप मैप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है और उसमें जो इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं उनका हम अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने लगभग 3 या 4 वीडियो बनाया है और देखा भी है उसमें किस प्रकार से हिमालय का विस्तार भारत में है। आज हमारा मुख्य रूप से जो फोकस है वो पूर्वोत्तर के राज्यों पर है और वहाँ पर जो हिमालय की रेंजेस फैली हुई हैं किस प्रकार से उन्हें और उन्हें किन नामों से जाना जाता है, और अक्सर इसे लोग इग्नोर कर देते हैं। और पूर्वोत्तर भारत के लोगों की एक यह भी उनके मन में एक दुख रहता है कि हमें इम्पोर्टेंस दिया नहीं जाता। कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे हम भारत के पार्ट नहीं हैं, और अक्सर आप देखते हैं कि लोग पूर्वोत्तर भारत को इग्नोर कर देते हैं। तो हम इग्नोर नहीं करेंगे, हम सीधे पूर्वोत्तर भारत से ही सबसे पहले जो हिमालय का हम डीपली स्टडी करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर जो माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं उसका अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न पूछा था कि कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, किस राज्य से संबंधित हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अभी मैं एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ कि मैं क्या क्या बनाया हूँ। ये पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भारत का पड़ोसी बांग्लादेश, इस क्षेत्र में मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया है। इधर भारत का पड़ोसी म्यांमार है। और आप सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है क्या मैंने बनाया है। मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, ये ब्लैक कलर में जो इंडिया का बॉर्डर है ना, और ये इधर जो आप जानते हैं भारत का जो पड़ोसी है चाइना, जिसने तिब्बत पर अधिकार कर लिया है, ये क्षेत्र है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये भारत का ये आंतरिक क्षेत्र, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये अरुणाचल प्रदेश है ना। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये ब्लैक कलर से मैंने बनाया है, जो बॉर्डरिंग दिया है ये नागालैंड है। ये आपका जो दिखाई दे रहा है नीचे ये मणिपुर है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ, इधर से बांग्लादेशी है बाहर की ओर, तो ये त्रिपुरा है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मिजोरम है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है राज्य फ्रेंड्स, ये वाला ये आपका मेघालय है। और उसके बाद बचा क्या, तो बचा ये अंदर वाला जो इंटरनल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, देखिए कुछ इस प्रकार से, ये आपका असम है। तो हम आज इन्हीं राज्यों में जो हिमालय की या प्रायद्वीपी भारत के कुछ पठार की जो कुछ रेंजेस हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं। आइए हम शुरू करते हैं अपने अध्ययन को, और सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश से शुरू करते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपका जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। और इसमें जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो माउंटेन रेंजेस हैं हिमालय के, जो तीन पैरेलल रेंजेस हैं यानी कि बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ये जैसे जैसे पूर्व की ओर आती हैं ये एक जगह पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये शिवालिक का ही पार्ट है, यानी कि बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक जो रेंजेस हैं तीन, उसमें शिवालिक तीनों रेंजेस एक जगह जैसे जैसे पूर्व की ओर आते हैं वो एक साथ होती हुई प्रतीत होती हैं, तो उन्हीं का ये विस्तार है। तो जो आपको मैंने रेड कलर का बनाया हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो रेड कलर का बनाया हुआ है पूरे नक्शे पर, ये माउंटेन रेंजेस है जिन्हें आपको जानना है कि कौन सी रेंज है। जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है ये रिवर है, नदी है, ये भी आपको कुछ जानने हैं किस प्रकार से नदी बह रही है, और ठीक है। और ये मैंने 2-3 हरे रंग का बना दिया है, तो ये नेशनल पार्क है ना, प्लांट मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बना दिया है। तो अभी इसमें हम इतना ही जानेंगे, पहले हमारा फोकस इस वीडियो में माउंटेन रेंजेस पर होगा, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे अरुणाचल प्रदेश से, और अरुणाचल प्रदेश में आपको ये जो माउंटेन रेंजेस दिखाई दे रही है ये डफला है, ठीक है। ये शिवालिक का ही विस्तार है, हिमालय आगे जाकर यू टर्न लेता है कुछ इस प्रकार से, और ये म्यांमार के साथ बॉर्डर फिर बनाते हुए फिर आगे समुद्र में डूब जाता है, और उसके बाद अंडमान निकोबार को आप देखते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि अंडमान निकोबार भी हिमालय का ही उठा हुआ भाग है, ठीक है। आगे उस पर हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी जो आपको रेड कलर की ये दिखाई दे रही है इसका क्रम कभी कभी पूछ देता है, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, तो आपको इसको थोड़ा सा याद रखना है। ये डफला है, ये मिरी है, ये अबूर है और ये मिस्मी है। तिब्बत के पठार के क्षेत्र के आसपास से ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, भारत में दिहंग नाम से, दिहंग गार से प्रवेश करती है। ये जो आपको नीले रंग की दिखाई दे रही है फ्रेंड, ये ब्रह्मपुत्र ही है दिहंग नाम से। जब ये असम के क्षेत्र में आती है, यहाँ पर समतल मैदान में आती है, तो यहाँ पर कुछ और रेंजेस जो हैं वहाँ से जो नदियाँ निकल कर आती हैं, जैसे ये दिबांग है और ये लोहित नदी है। तो ये नदियाँ जब इसमें मिलती हैं
इन क्षेत्र से, तो इसका जो विस्तार है काफ़ी बढ़ जाता है। ये नदी काफ़ी व्यापक रूप में बड़ी मात्रा में जल लेकर आगे बढ़ती है। तो चाइना के पार्ट से होते हुए जब इंडिया में आती तो इंडिया में ही इसको और अधिक वाटर मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसका बहाव कम है, लेकिन भारत में आप प्रवेश करने के बाद इसका बहाव और अधिक हो जाता है, क्योंकि भारत में भी अन्य क्षेत्रों से कई नदियाँ इसमें आकर मिल जाती हैं। किसमें? ब्रह्मपुत्र में, जिसे दिहंग कहते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जब ये असम में आती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो आप इसको जो नीला कलर का मैंने बनाया हुआ है इसको आप ध्यान देंगे किस प्रकार से ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए फिर असम होते हुए और फिर उसके बाद प्रवेश करती है, ये बांग्लादेश में चली जाती है, फिर ये समुद्र में विलीन हो जाती है। ये जो आपको रिवर फ्रंट दिखाई दे रही है कामेंग रिवर है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपकी जो रिवर है ये कामेंग रिवर है और ये सुबानसिरी है। ठीक है, तो ये आपकी जो रिवर है कामेंग है, ये सुबानसिरी है। ये मैंने ब्लैक कलर का जो बनाया है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। तो आपको क्या मैंने बनाया है, ये देखिए डफला है, ये मिरी है। तो अगर आप देखें डफला, मिरी, अबोर और मिसमी, ये पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में हैं। इन नदियों को देखें तो कामेंग, सुबानसिरी और ये दिबांग है, ये लोहित है। प्रश्न यह पूछा जाएगा कि लोहित किसकी सहायक नदी है, तो याद रखें ब्रह्मपुत्र की। कामेंग किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र। कामेंग, सुबानसिरी, इनके बीच में कौन सी माउंटेन रेंज है, डफला और मिरी, है ना। तो इस बात को भी आपको याद रखना है, दिबांग किसकी सहायक है, तो ब्रह्मपुत्र की। लोहित किसकी सहायक है, तो ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, तो डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, उसके बाद ये यू टर्न लेती है नदी माउंटेन रेंजेस, और उसके बाद फिर ये भारत का जो पड़ोसी देश है म्यांमार, इसके साथ फैले हुए कुछ आपको माउंटेन रेंजेस, इनको पूर्वांचल हिल्स कहा जाता है। ये जो संयुक्त रूप से इनको आप जो देख रहे हैं रेड कलर की, इन्हें पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। ठीक है, तो आपने आगे अगर हम देखें तो ये आपको जो दिखाई दे रही है ये पटकाई हिल्स है। ठीक है, तो ये जो रेड कलर की दिखाई दे रही है ये पटकाई हिल्स है और ये मिसमी हिल्स है। ठीक है, तो मिसमी हिल्स और पटकाई हिल्स के बीच में जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये नामदफा नेशनल पार्क है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। ये भारत के साथ साथ ये म्यांमार के बॉर्डर पर भी फैला हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि पटकाई हिल्स जो है, ये आपका जो पटकाई हिल्स है और ये मिसमी हिल्स है, इनके बीच में नामदफा नेशनल पार्क है। याद आप कैसे करेंगे कि ये नामदफा कैसे याद करेंगे, तो कुछ इस तरह से याद कर लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश को बार बार चाइना अपने मैप में ड्रॉ करता है, कुछ पार्ट पर अपना मैप ड्रॉ करता है, तो उसका नाम हमको दफा करना, जैसे हम कहते हैं ना दफा हो जाओ हट जाओ, तो दफा को उस तरह से याद कर लीजिए कि ये जो आपका नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश चाइना कर रहा है अपने पास, तो हमें चाइना से बोलना है कि भाई तुम अपना ये जो नाम अरुणाचल प्रदेश को अपना बना रहे हो उसको दफा करो, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, ये हमारे इंडिया का पार्ट है। तो कुछ इस प्रकार से आप इस नेशनल पार्क को याद कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद आगे आप अगर बढ़ते हैं तो ये आपको जो राज्य दिखाई दे रहा है ये नागालैंड है। हमने अरुणाचल प्रदेश में इतना थोड़ा सा जान लिया, अब हम नागालैंड में आते हैं। नागालैंड में जानने के लिए बस ये है कि नागा हिल्स है, और ये जो मैंने ब्लैक कलर की कलर का यहाँ पर बनाया ये सारामती हिल्स है। तो इसके बारे में बस आप इतना याद रखेंगे कि ये नागा हिल्स है, तो जाहिर सी बात है नागा हिल्स, नाम नागा है तो नागालैंड में है, और इसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक है सारामती। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे जाएँ तो ये मणिपुर आपको दिखाई दे रहा है, ये मणिपुर हिल्स है। तो आसान है, आप इसको बता सकते हैं पूर्व साइड में, तो पूर्वी मणिपुर हिल्स है और ये लैमाटोल पहाड़ी है फ्रेंड। कौन सी? लैमाटोल। परीक्षा में पूछा गया है लैमाटोल पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो आपको बताना पड़ेगा मणिपुर में है। ठीक है, ये जो मैंने ब्लू कलर का बनाया है ये लोकटक झील बनाया है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि लोकटक झील किस राज्य में है, तो भाई मणिपुर में है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको नीचे जो दिखाई दे रहा है मणिपुर आपने देखा, पूर्वी मणिपुर पहाड़ियाँ हैं, लैमाटोल पहाड़ियाँ हैं, और ये जो ब्लू कलर का आपका दिखाई दे रहा है ये लोकटक झील है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे मिजोरम में। ये आपको मिजोरम दिखाई दे रहा है, ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा में ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं देना, अगरतला इसकी राजधानी याद कर लीजिएगा, और बस ये याद कर लीजिएगा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य। इसके बारे में यही प्रश्न पूछा जाता है त्रिपुरा के बारे में कभी कभार। ठीक है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है मिजोरम में, तो इसको हम कहते हैं मिजो हिल्स। ये जो आपको दिखाई दे रहा है कभी कभी मिजो हिल्स को एक और नाम से जाना जाता है, लुसाई हिल्स से। तो ये लुसाई हिल्स के बारे में मतलब कभी कभी पूछा जाता है कि लुसाई हिल्स किस राज्य में है, तो याद रखें आप
मिजोरम में है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने एक और ग्रीन कलर का बनाया, ये मार्लेन नेशनल पार्क है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मार्लेन नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो याद रखेंगे आप मिजोरम में है, ठीक है। तो इतना आपका अभी तक आपने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर अपने मेघालय में। ये जो आपको दिखाई दे रहा है मेघालय, कभी कभी इसमें क्रम दे देता है पश्चिम से पूर्व, गारो, खासी और जयंतिया। इन पहाड़ियों को याद रखिएगा, गारो, खासी और जयंतिया। SSC की परीक्षा में एक बार पूछा गया था इसका क्रम, जब हम परीक्षा दे रहे थे तो उसमें यह क्रम पूछा गया था, पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इसको आपको याद रखना है। इसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक नोकरेख याद रखिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है तो गारो हिल्स, जो हिल्स है इसमें हाईएस्ट माउंटेन पीक है नोकरेक है, ठीक है। और मेघालय के बाद ये मेघालय में जो आगे खासी पहाड़ियाँ हैं, इन्हीं खासी पहाड़ियों पर पूरी दुनिया में सर्वाधिक बारिश वाला स्थान है मासिंद्रा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये डॉटेड लाइन मैंने बनाया है, जो दो बिंदु यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें चेरापूंजी एक है और एक मासिंद्राम है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर होती है। तो ये कहाँ पर है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो मासिंद्राम है ये किन पहाड़ियों पर है, तो याद रखिएगा खासी पहाड़ियों पर है, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जयंतिया पहाड़ी है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, ये आपको जो ऊपर, अब हम थोड़ा सा आपने देखा इन राज्यों को, सभी राज्यों में आपको आपने पढ़ लिया सभी राज्यों की पहाड़ियों को। अब असम में दो तीन पहाड़ियाँ आपको याद रखनी है, ये मिकिर है और ये रेंगमा है, ठीक है। बीच में आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है, ये सुरमा घाटी है। तो मिकिर और रेंगमा पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, मिकिर और रेंगमा पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, असम में हैं। इनके बारे में इतनी ही चीज़ें आपको जाननी है, और बहुत डिटेल में और क्वेश्चन नहीं पूछते जाते हैं, ठीक है। तो ये धनसिरी रिवर है, जो कि देखिए ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जा रही है, ठीक है। तो ये आपको ब्लू कलर का जो मैंने बनाया है, ये धनसिरी रिवर है। और यहाँ पर आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है, यहाँ पर जो आपको मैंने ग्रीन कलर का बनाया है तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये मिकिर पहाड़ियों के बारे में जानिए, रेंगमा पहाड़ियों के बारे में जानिए, और बीच में सुरमा घाटी के बारे में जानिए। सुरमा घाटी के बारे में क्यों जानें, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है, पेट्रोलियम के लिए ये एक फेमस जगह है, ठीक है। तो इतना आप याद कर लीजिए। और ये देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बरेल हिल्स है। तो बरेल हिल्स का विस्तार कहाँ पर है, थोड़ा सा देख लें बरेल हिल्स कहाँ पर है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा था, ज़्यादा विस्तार उसका असम में, इसके अलावा थोड़ा बहुत मणिपुर में भी है, नागालैंड में भी है, और थोड़ा बहुत अगर इसको देखें आप तो आ जाती है इसमें मेघालय में, ठीक है। तो ये आपको बरेल हिल्स का विस्तार है। तो आपने सभी पहाड़ियों को क्रम से देख लिया, ये अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में आपने जो मैंने बनाया है, सभी पहाड़ियों को, नदियों को देख लिया, और बाकी और भी कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होंगी, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से जानेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हमने पहाड़ियों को देखा, प्रमुख नदियों को देखा, और आपने इन राज्यों को देखा कौन सा राज्य कहाँ पर है, और ये म्यांमार पड़ोसी वगैरह को आप जान ही रहे हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कंप्लीट करता हूँ मैं वीडियो यहाँ पर। वीडियो आपको कैसी लगी, आपसे रिक्वेस्ट रहता है कि आप वीडियोस को शेयर किया करिए, ताकि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और अपना भी मनोबल बढ़ता है जब लोग देखते हैं वीडियोस को, तो और अच्छा करने का मन करता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को मेरे शेयर कर दिया करिए, ताकि जो पढ़ने वाले लोग हैं उन तक वीडियो पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट